दोस्तों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बी एस टी डी का क्लास 11 का यहाँ पर सेकंड चैप्टर, जो कि है यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस या फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो भी आप बोलें वो बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं उसे, हम उसे फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलेंगे। यानी बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह से बिजनेस किया जा सकता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझने वाले हैं बिजनेस इंटरप्राइज होता क्या है, कि बिजनेस इंटरप्राइज किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बिजनेस इंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन द सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस इंटरप्राइज ऐसा इंटरप्राइज होता है जो कि कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज होता है, यानी उसी में मतलब उसका जो एक्टिविटी होता है वो कमर्शियल एक्टिविटी होता है। ठीक है, जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे ही बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तभी हम उसे बिजनेस इंटरप्राइज बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी बिजनेस इंटरप्राइज इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। जितने भी मतलब बिजनेस इंटरप्राइज होते हैं वो सारे ही सारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब आप अगर कोई उसे चला रहा है और जो बिजनेस है वो दोनों ही अलग अलग पर्सन होते हैं, यानी चलाने वाला अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करता है। एवरी बिजनेस एंटिटी एडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। जैसे कि आपको पता होगा, हर बिजनेस एंटिटी कुछ कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या करता है, कैरी करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कुछ बिजनेस पार्टनरशिप होता है, कुछ बिजनेस कंपनी होता है, कुछ बिजनेस सोल प्रोप्रेटरशिप होता है, ये सब आगे क्या होता है इसे हम समझने वाले हैं आगे वीडियो में। ठीक है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बिजनेस इंटरप्राइज में बी क्लासिफाइड इंटू द थ्री ब्रॉड कैटेगरी। जो बिजनेस इंटरप्राइज होता है वो जनरली तीन कैटेगरी में यहाँ पर क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, और तीसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइज। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, फिर इसे हम एक बार रीड करके भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज होता है जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा इस बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज होता है जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन क्या करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होता है इसमें जो पैसे लगाते हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट लगाती है। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा लगाई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा लगाई है तो उसे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। हो सकता है कि पूरा ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया हो, ये भी हो सकता है कि पूरा ही पैसा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लगाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पार्ट करके लगाया हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ लगाया है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ लगाया है। तो ये लोग जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है, मतलब सिंपल बोले तो जो सरकार बिजनेस खोलती है उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट पर्सन भी बिजनेस में पैसा लगाए हैं और उसी बिजनेस में गवर्नमेंट भी पैसा लगाई है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइज। इसे हम आगे यहाँ पर दिखाए देते हैं, आपको यहाँ से पढ़ना है, रीडिंग करना है। अगर आप इसे रीडिंग करते हैं तो पूरा पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जो हमने बात बताया है वही बात इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ पर दिया गया है रिलायंस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर दिया गया है LIC, जेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर में भी दिया गया, यहाँ पर मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरी सबका एग्जाम्पल दिया गया, आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हम देखने वाले हैं फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, कि प्राइवेट सेक्टर जो इंटरप्राइज होता है इसमें कितने फॉर्म में बिजनेस तैयार कर सकते हैं, मतलब कितने फॉर्म में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अकेले बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर HUF में बिजनेस कर रहे हैं, हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जिसे HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, कुछ लोग कंपनी चलाते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए भी फायदेमंद होगा और आपके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर बीच बीच में बताते रहेंगे, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब पर ध्यान देते रहना और थोड़ा शेयर भी करना। आइए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले सोल प्रोप्रेटरशिप में पहला जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला फॉर्म है उसे हम देख लेते हैं, जो है सोल प्रोप्रेटरशिप। सोल प्रोप्रेटरशिप का मतलब क्या होता है, सोल का मतलब ही होता है सिंगल। सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल। आप बोलिएगा, आप जैसे हम बता रहे हैं उसे बोलते चलिए आप। सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। सिंगल प्रोप्रेटरशिप मतलब ऐसा पर्सन जो खुद ही एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक पर्सन खुद ही अकेले ही बिजनेस चलाता है, मतलब ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस खुद अकेले ही चलाता है उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप। जैसे कि आपने किराना दुकान देखा होगा, किराना दुकान में एक इंसान बैठा रहता है, वही आपको सारा सामान देता है। ठीक है, वही प्रॉफिट कमाता है, वही अपना रिस्क भी बियर करता है और वही अकेला दुकान चलाता है, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप। सोल प्रोप्रेटरशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हर हम आपके दुकान के आपके घर के अगल बगल में देखने को मिल जाता होगा। जैसे कि यहाँ पर
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको राशन दुकान हो गया, ठीक है, कुछ जनरल स्टोर हो गया, ये सब हो गया, तो आपका वो सब सोल प्रोप्रेटरशिप का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, यानी सोल प्रोप्रेटरशिप का क्या खासियत है, अगर आपसे एग्जाम में फीचर्स पूछे, करेक्टरिस्टिक्स पूछे, नेचर पूछे, आपको यही चीज लिखना है, ठीक है, जो यहाँ पर नीचे पॉइंट में दिख रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर इसका फीचर्स क्या है, सोल प्रोप्रेटरशिप का फीचर्स क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर कि सोल प्रोप्रेटरशिप में एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को ऑन करता है और वही रन भी करता है, ठीक है। तो सिंगल ओनरशिप है, सिंगल ओनरशिप का मतलब वो खुद ही कमाएगा, खुद ही खाएगा, सारा प्रॉफिट खुद ही लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ओनरशिप है वो अकेला है, जो पैसा उसमें लगाया है वो पूरा ही पूरा अकेला लगाया हो इंसान उस बिजनेस में, उसे हम सोल प्रोप्रेटरशिप बोलते हैं। तो सबसे पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। द सोल प्रोप्रेटर फर्म इज ओन्ड बाई द सिंगल इंडिविजुअल ओनली, ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाई द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम ऑन वेल्थ और फ्रॉम द बोरोड फंड। चाहे वो खुद का पैसा अपना लगाया हो बिजनेस में या फिर किसी से पैसा लेकर लगाया हो, लेकिन जितना ही पैसा लगा रहा है वो खुद अपना लगा रहा है, किसी से दूसरा का दूसरे से मतलब मांग के शेयर नहीं कर रहा है। हाँ, बट बोरो कर सकता है, लोन लेकर लगा सकता है, बट यहाँ पर दूसरे किसी को ऑनरशिप नहीं दे रहा है, उस अकेला उस बिजनेस में ऑनरशिप बन रहा है, ठीक है, यानी ओनरशिप ले रहा है, ठीक है। सेकेंड फीचर से इसका है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, यानी अगर अकेले बिजनेस चला रहा है, अकेले प्रॉफिट कमा रहा है, तो जो रिस्क आएगा उसमें वो भी उसे अकेले ही बियर करना पड़ेगा, अकेले ही संभालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि आपको पता होगा कंपनी में यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है, इसे हम आगे आपको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अलग पर्सन होता है, बिजनेस अलग पर्सन होता है, और जो बिजनेस को चला रहा है वो लोग अलग पर्सन होते हैं, यानी दोनों को हम एक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोल प्रोप्रेटरशिप का यहाँ पर फर्म है, इसमें क्या बोलते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारा बिजनेस और जो बिजनेस चलाने वाला इंसान वो दोनों ही एक ही लोग हैं, ठीक है। यानी अगर हम चलाने वाले को कुछ बोलते हैं तो बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, अगर उसके बिजनेस को कुछ बोलते हैं तो उसके चलाने वाले पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता तो हम आगे बताएंगे, एक कंपनी जो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, जो कंपनी का मालिक होता है, जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, वो कंपनी के संग कंट्रैक्ट कर सकता है, यानी कोई भी यहाँ पर लेन देन कर सकता है, ठीक है, कंपनी के साथ, बट यहाँ पर बिजनेस में नहीं हो सकता, इस सोल प्रोप्रेटरशिप में नहीं हो सकता, ठीक है। सोल प्रोप्रेटरशिप में मालिक अपने ही फर्म से कंट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का, इसे हम आगे समझेंगे, आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में भी आएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यह कंपनी लॉ का पार्ट होता है और आपके यहाँ पर दिया हुआ अच्छे से नहीं है, बट हम आपको जरूर आगे समझाएंगे इसे। तो तीसरा फीचर्स होता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भी जैसे आप यहाँ पर सोल प्रोप्रेटरशिप, मान लीजिए आप किराना का स्टोर खोल रहे हैं, ठीक है, आपने एक किराना का स्टोर खोल लिया अपने एरिया में, ठीक है, किराना का स्टोर खोल लिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप अपना बिजनेस बिंदास चलाइए, आपके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं लगेगा, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर मतलब स्ट्रिक्टली कुछ भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी, कुछ लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं होता है, बट थोड़ा सा छोटा मोटा लाइसेंस होता है उसे लेना होता है, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर मतलब झंझट में फंसने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इस बिजनेस को चालू करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस को ऑपरेट करना है उसमें आपको फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स है यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक सिंगल पर्सन है, सिंगल ही पर्सन बिजनेस चला रहा है, तो जो मान लीजिए कुछ अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आता है बिजनेस में, तो जो उसका दायित्व तो बनता है बिजनेस के प्रति वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, यानी अगर उसका बिजनेस अगर लॉस में जाता है तो उसका यहाँ पर कपड़ा तक भी बिक सकता है, ठीक है, यानी उसका जो शॉर्ट पैंट है वो भी बिक सकता है, ठीक है, मतलब वहाँ तक भी वो उसको यहाँ पर लॉस बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो लाइबिलिटी होता है बिजनेस के प्रति वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सबको आपको डेप्थ में पढ़ना है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, तो अगर आप इस अंदर पढ़िएगा तभी आप लिख पाइएगा। फिर बात करते हैं वन मैन कंट्रोल, लास्ट यहाँ पर क्या है, वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल का मतलब भी आपको समझ ही आ रहा है, क्योंकि सिंगल इंसान है, सोलो प्रोप्रेटरशिप है, अकेले चला रहा है, तो अकेले ही उसके कंट्रोल होगा, उसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है। दोस्तों हमने यहाँ पर फीचर्स कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मेरिट्स या डिसएडवांटेज का। आपसे चाहे एग्जाम में मेरिट्स पूछे, आपसे चाहे यहाँ पर एडवांटेज पूछे, ठीक है, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। मेरिट्स का मतलब यहाँ पर एडवांटेज होता है और एडवांटेज का मतलब फायदा, ठीक है, मतलब सिंपल बोले तो यहाँ पर दोनों ही सेम है, ठीक है। तो आपको कुछ भी एग्जाम में पूछता है तो आपको यहाँ पर इसी फॉर्म में आंसर लिख के आना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पहला मेरिट क्या होता है सोलो प्रोप्रेटरशिप का। तो सबसे पहला यहाँ पर मेरिट है ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा बिजनेस है, सोल प्रोप्रेटरशिप है, आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा यहाँ पर सरकार का यहाँ पर अनुमति ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है,
एक छोटा सा लाइसेंस लेना होता है, ये वन टाइम लाइसेंस लेना होता है। उस लाइसेंस लेने के बाद क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर मतलब कॉम्प्लिकेशन को बियर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि थोड़ा पढ़ के देखते हैं यहाँ पर, सोल प्रोप्रेटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज ईजी टू फॉर्म, ये फॉर्म करना आसान है, मतलब इसे बनाना आसान है। नो लीगल फॉर्मेलिटी आर इन्वॉल्व इन द सेटिंग ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होता है, आपको यहाँ पर दिख ही रहा हो, यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट गवर्न बाई द एनी स्पेसिफिक लॉ, इस जो सोल प्रोप्रेटरशिप होता है इसे किसी भी स्पेसिफिक लॉ के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है। जैसे कि कंपनी होता है तो उसे कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है, एलएलपी होता है तो एलएलपी एक्ट के द्वारा गवर्न किया गया है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा गवर्न किया गया है। लेकिन कभी आपने सुना है क्या कि कोई यहाँ पर जो आपका सोल प्रोप्रेटरशिप एक्ट हो, कहीं नहीं सुना होंगे आप, इसको किसी भी एक्ट में गवर्न नहीं किया गया है। इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ही कम है। द सोल प्रोप्रेटरशिप कैन क्लोज क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिजायर्स, जो सोल प्रोप्रेटरशिप बिजनेस होता है वो कभी भी बंद कर सकता है जब उसका मन करे, जब उसके मालिक का मन करे, ठीक है। विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पर वही बात करें कंपनी और पार्टनरशिप का, तो उसे यहाँ पर बंद करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटी को अपनाना होता है जो कि दिया हुआ है उसके रिस्पेक्टिव एक्ट के अंदर, ठीक है। इट कैन क्लोज बाई पेइंग बैक इट्स डेट, यानी इसको जो क्लोज करना है, जो इस बिजनेस को क्लोज करना है, तो जो भी इस बिजनेस पे कर्ज होगा उस कर्ज को चुकाने के बाद क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाना भी आसान है और इसे बंद करना भी आसान है, ठीक है। तो दोनों ही काम आपके लिए यहाँ पर आसान है। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेज है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, इन सोल प्रोप्रेटरशिप फॉर्म, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इन सोल प्रोप्रेटरशिप फॉर्म देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवार्ड। एफर्ट एंड रिवार्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। एफर्ट एंड रिवार्ड का मतलब क्या होता है कि एक सोल प्रोप्रेटरशिप में अकेला इंसान बिजनेस को चला रहा है, अगर वो जितना ज्यादा उसमें मेहनत करेगा उतना ज्यादा रिवार्ड पाएगा, रिवार्ड पाएगा मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ठीक है। यानी जितना ज्यादा एफर्ट दे पाएगा, जितना बड़ा इसको लेके जा पाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या मिलेगा, इसे रिवार्ड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। विच मीन्स इफ प्रोप्रेटर पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट देन प्रॉफिट इंक्रीजेज, अगर जो प्रोप्राइटर है वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, एक्स्ट्रा कोशिश एक्स्ट्रा मेहनत डालता है बिजनेस में, तो क्या करेगा, उसका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होगा, प्रॉफिट गेट्स एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा एंड गेट एक्स्ट्रा रिवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंसेंटिव आपके लिए यहाँ पर सेकंड क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ में है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑल डिसीजन आर टेकन बाई द प्रोप्राइटर। यहाँ पर जो सिंगल पर्सन है, सिंगल यहाँ पर इंसान है, सिंगल बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो सारा ही डिसीजन जो है उसी के द्वारा लिया जाएगा, किसी से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को यहाँ पर पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्विक डिसीजन लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, इन सोल प्रोप्रेटरशिप फॉर्म ऑल द डिसीजन आर टेकन बाई द प्रोप्राइटर, कौन लेता है, प्रोप्राइटर सारा डिसीजन लेता है। ही इज नॉट सपोज टू कंसल्ट एनी वन एंड वेस्ट टाइम, वो उसे किसी को भी यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो खुद का डिसीजन होता है खुद ही लेता है। बाई क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन टेकन बाई विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, देर आर नो डिले एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें डिसीजन ले या ना ले, क्योंकि हम अकेले हैं तो हम खुद अपना डिसीजन लेंगे। अगला एडवांटेज यहाँ पर दिया हुआ है सोल बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द प्रॉफिट इज अर्न बाई द सोल प्रोप्रेटरशिप। सिंगल पर्सन है तो सारा प्रॉफिट खुद ही कमाएगा, जब सारा लॉस और सारा रिस्क वही बियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कमाएगा तो अकेले ही लेगा, दूसरा कोई लेगा नहीं, क्योंकि अकेले पैसा लगाया है। पर्सनल टच है, फिर सिक्रेसी मिलता है यहाँ पर। पर्सनल टच का मतलब क्या होता है, इन सोल प्रोप्रेटरशिप फर्म जनरली ऑल द वर्क इज कैरीड आउट बाई द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, मतलब सोल प्रोप्रेटरशिप में जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे काम कौन करता है, प्रोप्रेटर खुद करता है। सो ही कैन मेंटेन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, वो क्या करना पड़ता है, उसी को डायरेक्ट कस्टमर से भी डील करना होता है। एंड एम्प्लॉई एंड कैन मेक चेंज इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, यानी अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और उस प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग करना है तो खुद ही करेगा, ठीक है। तो सारा ही काम क्या करता है, पर्सनली करता है, हर चीज़ पर्सनली टच होता है, कस्टमर से पर्सनली टच होगा, अपने एम्प्लॉई से पर्सनली टच होगा, ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट में चेंजिंग करना हो तो खुद ही कर लेगा। सिक्रेसी आगे देखते हैं, सिक्रेसी में क्या है, द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विथ अदर, देर इज अ नो लीगल कंपल्सन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, सो इट बिकम इजी फॉर हिम टू मेंटेन द सिक्रेसी एंड गेट बेटर कंपटीटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्रेसी का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि अकेला इंसान है, अकेला किसको बताएगा, अगर ये बताएगा तो बाहर इन्फॉर्मेशन जाएगा, नहीं बताएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर अकाउंट्स होते हैं उसे भी पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर,
ठीक है, ये लीगल कंपल्सन नहीं है कि इसे पब्लिश करना है, ठीक है। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, सारा डिसीजन जो होता है वो प्रोप्राइटर खुद ही लेता है। सो इट्स बिकम ईजी फॉर हिम टू मेंटेन सिक्रेसी, इसलिए उसको क्या बनता है, ईजी होता है इस सिक्रेसी को मेंटेन कर पाना एंड बेटर कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ पाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एक सिक्रेसी जो है ये भी एक एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो ये 6 एडवांटेज आपको हमने बताया, इसमें से अगर आप 4 भी 5 भी याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बट आप ट्राई कीजिएगा ये 6 पॉइंट कम से कम याद रखें, क्योंकि 6 पॉइंट याद कीजिएगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको 5 पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। दोस्तों हमने एडवांटेज तो कर लिया यहाँ पर सोलो प्रोप्रेटरशिप का, अब देखने वाले हैं कुछ डिसएडवांटेज। मान लीजिए किसी भी चीज़ का आप कभी भी देखेंगे तो उसका जितना एडवांटेज होता है उसी के आसपास कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज का अटैच होना यहाँ पर लाजमी है, मतलब सिंपल सा होता ही है। डिसएडवांटेज जिसका एडवांटेज रहेगा उसका डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसका। लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स का हम आपको सिंपल से बताते हैं अपने मन से, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल इंसान है, ठीक है, और सिंगल इंसान है तो सिंगल ही पैसा होगा, ठीक है। सिंगल पैसा होगा मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास रिसोर्स नहीं होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसके पास पैसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रॉब्लम होता है। तो सोल प्रोप्रेटरशिप का क्या है, एक यहाँ पर मतलब यहाँ पर डिमेरिट है, ठीक है, कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। दूसरा यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने यहाँ पर फीचर्स में भी देखा था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है कि यहाँ पर जो आपका जो बोले ना हम ना यहाँ पर कि आपका जो यहाँ पर पैंट शॉर्ट तक भी बिक सकता है अगर आपका बिजनेस डूबने लगा तो, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या होता है कि आप सिंगल इंसान है, आपको हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता, हर फील्ड का नॉलेज नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके पास टेक का नॉलेज हो सकता है आपके पास फाइनेंस का नॉलेज हो सकता है आपके पास लीगल का नॉलेज हो, बट आपके पास तीनों नॉलेज हो सकता है कि नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक चीज़ में एक्सपर्ट होंगे लेकिन आपको बिजनेस का तो बिजनेस में तो सारे चीज़ों का एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल हो जाता है, यानी जो स्किल है आपके पास वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाता है, तो उसका प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्रेटरशिप का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। जैसे कि आप सिंगल इंसान है, सिंगल इंसान कितना बड़ा कर सकते हैं एक बिजनेस को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन है वो आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। यानी अपना बिजनेस अगर आपका बिजनेस अगर अभी यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख का है तो उस बिजनेस को आप यहाँ पर 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक स्कोप है वो लिमिटेड हो जाता है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एंड मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट करने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप अकेले प्रोप्राइटर है, सिंगल प्रोप्राइटर है, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर स्केल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सुटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन ओनली, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, ठीक है, तो आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आप बीमार तो आपका बिजनेस भी बीमार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप सिंगल पर्सन है, अकेले पर्सन है, सिंगल इंसान बिजनेस चला रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है कि आप अगर बीमार तो बिजनेस भी बीमार पड़ जाता है, ठीक है। आपके साथ साथ आप अगर सही नहीं रहेंगे तो बिजनेस भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके वजह से तो बिजनेस चल रहा है, क्योंकि आप तो उसमें सिंगल पर्सन है, आपने किसी को दूसरे को अपॉइंट करके नहीं रखा है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप सिंगल पर्सन है, सोलो प्रोप्रेटरशिप में बिजनेस को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को यह प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि कभी कभी इस सिचुएशन में आकर बिजनेस आपका इंसॉल्वेंट के सिचुएशन में भी चला जाए, ठीक है। तो कहने की यह बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर सोल प्रोप्रेटरशिप का। दोस्तों यहाँ पर सोल प्रोप्रेटरशिप कंप्लीट होता है। अगर सोल प्रोप्रेटरशिप का भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम अगले पार्ट में आपको यहाँ पर और वीडियो लेके आएंगे।